बुधवार की देर रात करीब 1 बजे के करीब मिजाजनगर थाना क्षेत्र में आने वाले काजीपुरा परिसर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी अनुसार काजीपुरा परिसर के एक दुकान को रात 1 बजे के करीब आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसने करीब 6 से 7 दुकान भी अपनी आकुश में ले लिए। आग लगने का देख आसपास के लोगों ने अग्निशामक विभाग को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही विभाग के जवान वहां पर पहुंचे। आग इतनी भीषण थी कि उसे काबू में पाने के लिए अग्निशामक की 14 पानी की गाड़ियां लगी। आखिरकार रात 4 बजे के करीब अग्निशामक विभाग के जवानों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, मगर इस हादसे से 70 से 80 लाख रुपयों का नुकसान होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। इस संबंध में वहाँ उपस्थित लोगों ने अधिक जानकारी साझा की। मेरा कुत्ता भूख रहा था, मैं उठा उसको कुत्ता खाने लिए, तो वहाँ देखा आग लगी 1:10 एक कोने में पकड़ी थी, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बच्चे वाले बोला सब घर से बाहर निकल जाओ, पहले अपनी जान बचाओ, धन क्या होता है जान बचाओ, है ना। सबको बाहर निकाला, उसके बाद सबको बताया मैंने, सब बाहर निकलो। उसके बाद फायर ब्रिगेड फोन लगाया हमने, गूगल पर सर्च किए फर्स्ट से, लड़की ने लड़के भाई फर्स्ट ईयर में मैं घर में सो रहा था, तो सुबह जैसा फोन आया मेरे को 2 बजे फोन आया कि दुकान में आग लगी करके, वैसे उठ के इधर आए हम। फायर की 15 गाड़ी आई, नुकसान तो बहुत हुआ है। एक एक दुकान का किसी के 10 लाख का है, किसी का गाड़ियों का सामान वगैरह रखा हुआ है, सब खोली हुई गाड़ियां है, मशीनें हैं, सीटेस है, फोम है, ये सब पूरा खाक हो गया, जल गया पूरा। मेरा 10 लाख का यानी 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वहाँ लगभग 10 दुकानें थी जिनका भीषण आग के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं इस आग को बुझाने के लिए करीब 15 दमकल विभाग की गाड़ियाँ घटना स्थल पर उपस्थित थी। ये घटना म्हणजे 1:30 झालेली आहे, मी 2 वाजता मला माहित झालं 2:30 जेव्हा आलो तेव्हा इथे अंधार लागलेली होती, मग फायर शिफ्ट वाले होते, पुलिस वाले होते, त्यांनी विझवली आणि रात्री कशी झाली हे तर एक्झॅक्ट नाही सांगता येईल। रात्री अंधार लागलेली आहे, नुकसान तरी पण 8 ते 10 लाख रुपयाचं नुकसान झालं माझं। सामान म्हणजे कॉम्प्रेशर मशीन होत्या, इलेक्ट्रिक मशीन होत्या, अजून ग्लँडर हँड ड्रिल पुष्कळ काय होतं, गाड्याचं सामान होतं। वहा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शींनी बताया की आग करीब रात के 1:30 बजे के दरम्यान घटित हुई, जिसके पश्चात दमकल विभाग को इस संबंध में सूचित किया गया। हालांकि इस घटना में गरिमत ये रही कि यहां किसी भी प्रकार की कोई जीवित हानि नहीं हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।